जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, उठने बैठने या सुबह सोकर उठने के बाद कई बार हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। शुरुआत में यह दर्द ज्यादा दिक्कत नहीं देता, लेकिन बाद में धीरे धीरे यही दर्द असहनीय होता चला जाता है। आज हम जोड़ों के दर्द की आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानेंगे जो काफी प्रभावशाली है और आसानी से उपलब्ध भी हो सकती है। इसके लिए आपको यूकेलिप्टस का, आपने नाम सुना होगा नीलगिरी, इसके तेल का इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है जरा देख लीजिए। नीलगिरी तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा के हर संक्रमण को दूर कर देते हैं। इसके अलावा नीलगिरी का तेल जोड़ों के लिए बहुत अच्छा आयुर्वेदिक रामबाण उपाय है। नीलगिरी का तेल गठिया के लिए सबसे आम हर्बल उपचार की तरह जाना जाता है। नीलगिरी के पौधे में टैनिन होता है, यह सूजन और दर्द संबंधी गठिया को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा नीलगिरी तेल की खुशबू मस्तिष्क पर शांत प्रभाव डालती है। आप जोड़ों के लिए अजवाइन का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। अजवाइन औषधीय गुणों से भरपूर होती है, तभी तो रसोई घर के साथ ही आयुर्वेद में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। अजवाइन का बीज त्वचा और बालों के बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने, वजन घटाने और सूजन को कम करने जैसे लाभों के लिए जाना जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की वजह से जोड़ों के दर्द में बहुत काम आता है। इसमें एनेस्थेटिक गुण पाया जाता है जो सर्दियों के दौरान भी अत्यधिक दर्द से राहत देने का काम करता है। इसके लिए आप गर्म पानी के टब में एक चम्मच अजवाइन मिलाइए, फिर उसमें जोड़ों को डुबोकर 5 से 10 मिनट के लिए उसमें बैठ जाइए। ये आयुर्वेदिक उपाय आपको बहुत ही जल्द राहत देने का काम करता है। वैसे अजवाइन को लेकर एक दूसरा तरीका है जिसे जोड़ों के दर्द के रोगियों को आजमाना चाहिए। इसके लिए आप अजवाइन के बीजों को पीसकर उसका पेस्ट बना लीजिए और दर्द वाले हिस्से में लगाइए। इसके अलावा आप नियमित रूप से अजवाइन का पानी पीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगला है शल्लकी का प्रयोग। शल्लकी जड़ी बूटी जोड़ों को मजबूत रखने और उन्हें किसी भी दर्द से राहत के लिए जाने जाते हैं। इसका तेल न केवल दर्द को कम करता है बल्कि सूजन को कम करने में भी सहायता करता है। शल्लकी का प्रयोग कभी कभी पेनकिलर के विकल्प के रूप में विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ये आवश्यक तेल और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। जोड़ों के दर्द के लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू से आयुर्वेद में अदरक एक औषधि के रूप में इस्तेमाल होती रही है। अदरक सबसे प्राचीन मसालों में से एक मानी जाती है। यह न केवल हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करती है बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायता प्रदान करती है। इससे भूख में वृद्धि करने की क्षमता शामिल है। यह विभिन्न प्रकार के कैंसर को रोकने, श्वसन की स्थिति में सुधार करने, पाचन में सहायता करने, गठिया के लक्षणों को खत्म करने और अतिरिक्त गैस को कम करने में मदद करती है। अदरक अपने असाधारण एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी मानी जाती है जो प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी और उपचार करने में मदद करती है। आप अदरक की चाय पी सकते हैं या अपने जोड़ों पर अदरक का पेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक का तेल जोड़ों के प्रभावित क्षेत्र पर लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द में निजात मिल जाएगी। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।